Dear students, assalamu alaikum. We are going to start class 7, lecture 15, which is based on unit 9, algebraic identities, exercise 9. This is student exercise 9 ka question number 13 hamare paas hai. Express 81 p square minus 49 q square as a product of two terms. अब इनको हमने टू टर्म्स की प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है. अब कैसे लिखना है, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, देखिए मैं फॉर्मूला सबसे पहले लिख रहा हूं. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. अब ये हमारे पास पूरा फॉर्मूला था. अब दो टर्म्स की किस तरह लिखेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, जिनका स्क्वायर हो दोनों का. अगर मैं इनको लिखूं, देखिए क्या है हमारे पास, 81 p square minus 49 q square. अब इनको मैं अगर स्क्वायर लूं तो क्या स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 9 p का square minus 7 q का square हमारे पास आ गया. अब मैं इसको स्क्वायर की फॉर्म में आ गया. अब इनको टू टर्म्स की फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूं तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देंगे. कैसे, देखें इनको मैं टू टर्म्स में कैसे लिख देता हूं, कैसे, 9p minus 7q and 9p plus 7q, ये टू टर्म्स की फॉर्म में हमारे पास आ गया. ये आंसर हमारे पास, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास क्या था, 81 p square minus 49 q square. तो हमारे पास टू टर्म्स की फॉर्म में हमने इसको लिखना है, यानी कि डिफरेंस स्क्वायर को डिफरेंस की फॉर्म में लिख देना, एक बार प्लस में एक बार माइनस में. अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिख सकता हूं. तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो इनका स्क्वायर का फॉर्मूले के ऊपर लेके आया. क्या होता है, 81 p square minus 49 q square को मैंने क्या लिखा, 9 p square minus 7 q square, फॉर्मूले की फॉर्म में आया. उसके बाद एक बार डिफरेंस में एक बार माइनस में एक बार प्लस की फॉर्म में लिखा. मैंने कैसे लिखा, देखा आंसर में क्या लिखा, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, यानी कि 9p minus 7q, 9p plus 7 into 9p plus 7q की फॉर्म में हमारे पास आंसर आ गया इसका. जी तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स. अब हमारे पास देखें, एक बार ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिखा हुआ है, हमने डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स की फॉर्म में लिखना है इसको. अब डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स की फॉर्म में कैसे आ सकता है हमारे पास, देखें इस फॉर्मूले में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगर इन दोनों को मैं अगर करूं, इनको फॉर्मूला क्लोज करूं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा. देखें इसको अगर मैं इसको करना, 3a plus b 3a minus, सेम टर्म्स है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है. तो हमारे पास क्या फॉर्मूला क्या था, अगर मैं इसको क्लोज करना चाहूं तो क्या था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला था हमारे पास, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है हमारे पास. अब ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 3a plus b into 3a minus b इज इक्वल टू किसका आ जाएगा, 3a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर. और अगर मैं इसको टू स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या आ जाएगा, 9a square minus b square इज द आंसर. हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या आएगा, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर में क्या आएगा, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर में क्या आएगा, 9a square minus b square हमारे पास फॉर्म में इसका आंसर आ गया. जी तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट टू हमारे पास है, 5a plus 3b into 5a minus 3b. हमने क्या करना है, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर की फॉर्म में लेके आना है. कैसे, देखिए फॉर्मूला वही है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं. अब यहां पे हमारे पास वैल्यूज क्या है, 5a plus 3b और 5a minus 3b. मैं इसको किस स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूं, 5a का स्क्वायर माइनस 3b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3b का स्क्वायर, अगर मैं फॉर्मूला क्लोज करूं तो. अब मैं इसको अगर ओपन करूं तो क्या आ जाएगा, टू स्क्वायर की फॉर्म में 525a square minus 9b square. टू स्क्वायर की फॉर्म में क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25a square 25a square minus 9b square, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर की फॉर्म में हमने लिख दिया, यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, 25a square minus 9b square. जी तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट थ्री हमारे पास है, 2x plus 3y into 2x minus 3y. हमने क्या करना है, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है इसको. तो हमारे पास फॉर्मूला, फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में. अब हमारे पास क्या वैल्यूज क्या है, वैल्यूज पुट करते हैं, 2x plus 3y into 2x minus 3y, इसको अगर मैं क्लोज करूं तो स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूं, 2x का स्क्वायर एंड माइनस का साइन 3y का स्क्वायर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. इसको ओपन कर दूं तो क्या आ जाएगा, 4x square minus 9y square इज द आंसर. रिपीट कर रहा हूं, टू स्क्वायर्स की फॉर्म में लिखना था, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स की फॉर्म में लिखना है. हमारे पास वैल्यू क्या दी हुई है, 2x plus 3y 2x minus 3y. मैं फॉर्मूला अगर क्लोज करूं तो 2x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर हमारे पास आता है. इसको ओपन कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4
फोर एक्स स्क्वायर आ जाएगा और माइनस नाइन वाई स्क्वायर आ जाएगा और यही हमारे पास डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, फोर एक्स माइनस नाइन वाई स्क्वायर इज द आंसर। जी तो स्टूडेंट लेक्चर 15 का हमारे पास होम टास्क या होमवर्क क्या है, जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 3, 13 और क्वेश्चन नंबर 14 जो हमने सॉल्व किया अभी, आपने नीट क्लीन एंड क्लियर अपनी कॉपीज के ऊपर सॉल्व करना है।